हेलो फ्रेंड, मेरा नाम दोविंद और आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल टेकते हो में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीएमडी कमांड के कुछ इम्पोर्टेंट कमांड्स के बारे में पढ़ेंगे जो सभी कंप्यूटर स्टूडेंट को पता होना चाहिए। तो सीएमडी प्रॉम्प्ट को ओपन करने के लिए, कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको जाना है अपने स्टार्ट मेनू में। स्टार्ट मेनू में जाने के बाद आपको यहाँ पर डाउन साइड में आना है स्क्रोल करके। जब आप डाउन साइड में आएंगे तो यहाँ पे लिखा है विंडो सिस्टम, आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। विंडो सिस्टम के क्लिक ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर। जब आप कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे देखेंगे तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। तो ये था कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने का पहला तरीका। दूसरे तरीके के लिए आपको अपने कीबोर्ड से विंडो प्लस आर बटन प्रेस करना है। विंडो आर से होता है रन। रन डायलॉग बॉक्स जब ये ओपन हो जाएगा तो आपको यहाँ पे टाइप करना है सी एम डी। लिखने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से इंटर बटन प्रेस कर देना है। इंटर बटन प्रेस करने के बाद देखेंगे तो आपका सी एम डी फिर से ये स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो मान लीजिए आपके पास जो आपका सिस्टम है उसमें विंडो 10 नहीं है, आपको ये विंडो सिस्टम का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, आप में विंडो 7 आप चला रहे हैं। तो विंडो 7 में ओपन करने के लिए सीएमडी कमांड को जाना है आपको सबसे पहले स्टार्ट मेनू में। स्टार्ट मेनू में जाने के बाद आपको जाना है आल प्रोग्राम के अंदर। आल प्रोग्राम के बाद आपको जाना है एक्सेसरीज के ऊपर और फिर क्लिक कर देना आपको कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर। तो ये कमांड प्रॉम्प्ट आपका खुल जाएगा। ओके, तो जो कमांड प्रॉम्प्ट का जो पहला यहाँ पर कमांड है उसका नाम यहाँ पर दिया है टाइटल। फर्स्ट कमांड का नाम यहाँ पे लिखते हैं टाइटल। तो यहाँ पे लिखे टाइटल, टाइटल क्या है, टाइटल ये कमांड का नाम है। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे तो टाइटल में यहाँ पे लिखा है विंडो सिस्टम 32, इसके बाद यहाँ पे लिखा है cmd.exe, तो इसको कहते हैं टाइटल। ओके, तो ये नाम चेंज करने के लिए ही टाइटल का यूज करते हैं। तो यहाँ पर लिखे टाइटल, टाइटल लिखने के बाद आपको यहाँ पर देना है स्पेस, इसके बाद आपको इस टाइटल में जो भी कुछ यहाँ पे नाम शो आपको कराना है उस नाम को यहाँ पे आप टाइप कर दीजिए। जैसे कि हम चाहते हैं यहाँ पे लिखना चाहते हैं वेलकम टू, लिखे यहाँ पे वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक देव। इसके बाद आप अपने कीबोर्ड से इंटर बटन प्रेस कर दीजिए। इंटर बटन जब आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे टाइटल में यहाँ पे नाम चेंज हो गया और यहाँ पे लिखा आ रहा है इस समय वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक देव। ओके, तो ये था पहला कमांड जिसका नाम टाइटल है। दूसरे कमांड का नाम है यहाँ पर कलर। तो यहाँ पर लिखते हैं कलर। कलर लिखने के बाद आपको देना है यहाँ पे स्पेस और कोई भी आपको एक नंबर प्रेस कर देना है, इसके बाद आप इंटर प्रेस कर दीजिए। तो देखिए जब यहाँ पे लिखे कलर स्पेस 1 तो यहाँ पे ब्लू कलर आ गया। तो ये ब्लू कलर आया कहाँ से, उसके लिए उसको चार्ट को आपको देखने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे टाइप करना होगा कलर। कलर लिखने के बाद स्पेस देकर आपको यहाँ पर यस टाइप कर देना है। यस फार होता है सीट, इंटर। तो देखेंगे तो यहाँ पे जो उसका पूरा चार्ट था कलर का वो सब यहाँ पे शो हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया है 0 से लेकर 9 तक नंबर और यहाँ पे लिखा है ए से लेकर एफ तक कैरेक्टर्स। तो मान लीजिए आपको इस सभी टेक्स्ट में येलो कलर लगाना है। येलो कलर लगाने के लिए आपको देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है 6 बराबर येलो, मतलब येलो कलर लगाने के लिए आपको 6 टाइप करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो अपना कमांड का नाम लिख लीजिए। तो यहाँ पे लिखते हैं कमांड का नाम, तो यहाँ पे लिख दिए कलर स्पेस येलो कलर को लगाना, तो इसका यहाँ पे नंबर है 6, तो यहाँ पे टाइप किए 6 और अपने कीबोर्ड से इंटर बटन प्रेस कर दिए। इंटर बटन प्रेस करने के बाद देखेंगे तो यहाँ पे येलो कलर लग गया। ओके, तो अब बढ़ते हैं अगले कमांड की तरफ। तो यहाँ पर जो तीसरा कमांड है उसको कहते हैं सी डी। इसका फुल नेम होता है चेंज डायरेक्टरी। डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए सीडी का यूज करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे सीडी।
सीडी लिखने के बाद मान लीजिए आप चाहते हैं कि डेस्कटॉप पे जाएं, तो डेस्कटॉप पे जाने के लिए आपको लिखना है सीडी स्पेस डेस्कटॉप, सीडी स्पेस डेस्कटॉप, सीडी स्पेस डेस्कटॉप। लिखने के बाद जब आप इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे जो यहाँ पे लिखा है यूजर्स इट्स, इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे इट्स के बाद डेस्कटॉप आ गया, मतलब आप डेस्कटॉप के ऊपर चले गए हैं। ओके, तो जो अगला कमांड है उस कमांड का नाम है यमडी, यमडी फॉर मेक डायरेक्टरी। सीडी से होता है चेंज डायरेक्टरी और एमडी से होता है मेक डायरेक्टरी। सीडी से डायरेक्टरी को चेंज करते हैं और एमडी से डायरेक्टरी को मेक करते हैं, बनाते हैं उसको। तो यहाँ पे लिखें यमडी, यमडी लिखने के बाद जिस भी नाम से आपको डायरेक्टरी बनानी है उस नाम को यहाँ पे टाइप कर दीजिए। जैसे कि मान लीजिए हम चाहते हैं यहाँ पे टेक के नाम से बनाएं, तो यहाँ पे लिखें टेक, देखिए यहाँ पे लिखें एमडी स्पेस टेक, एमडी स्पेस टेक। लिखने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से इंटर बटन प्रेस कर देना है। इंटर जब आप बटन प्रेस करेंगे तो देखेंगे तो यहाँ पे डेस्कटॉप पे टेक नाम से एक फाइल बन गई है। अगर मान लीजिए एक बार में आपको 4, 5, 10, 15 फाइल बनानी, तो कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए आपको यहाँ पे टाइप करना है एमडी, जो कमांड का नाम है यहाँ पे, तो एमडी लिखें। एमडी लिखने के बाद स्पेस यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, मान लीजिए आप 5 फोल्डर बनाना चाहते हैं, तो 5 फोल्डर के लिए आपको बीच बीच में स्पेस देना होगा। अगर ये पूरा नाम एक ही में टाइप करेंगे, जैसे 1, 2, 3 बिना स्पेस के, देखिए यहाँ पे टाइप किए हैं, मतलब इसका ये है कि जब इंटर आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे बस एक ही फाइल बनेगी 1, 2, 3, 4, 5 के नाम से। तो फोल्डर को अलग अलग बनाने के लिए आपको यहाँ पे लिखना है एम डी स्पेस 1 स्पेस 2 स्पेस 3 स्पेस 4 स्पेस 5। स्पेस देने से ये सब फोल्डर अलग अलग क्रिएट होगा। तो आप अपने कीबोर्ड से इंटर बटन प्रेस करके देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग सब फोल्डर यहाँ पे बन गए हैं। ओके, यहाँ पे देखिए तो कुछ यहाँ पे मिस्टेक भी दिखा रहा है। ये कह रहा है कि ए सब डायरेक्टरी आर फाइल 1 ऑलरेडी एग्जिट्स, मतलब ये कह रहा है कि जो 1 नाम से फाइल है वो पहले से वहाँ पे बनी है, इसलिए यहाँ पे 1 नाम से फाइल आप नहीं बना सकते। तो देखिए यहाँ पे 1 नाम से फाइल पहले बनी थी, इसलिए हम यहाँ पे इस फोल्डर को ये क्रिएट नहीं किया है और सभी को यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। ओके, तो ये था हमारा एम डी कमांड। नेक्स्ट कमांड का नाम है यहाँ पे आर डी। आर डी कमांड का यूज करते हैं डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए, या तो आप बोल सकते हैं डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए। तो डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए आर डी का यूज होता है। आर डी का पूरा नाम होता है रिमूव डायरेक्टरी। तो यहाँ पे लिखें आर डी स्पेस, जिस भी आपको फाइल को डिलीट करना है उस फाइल का यहाँ पे आप नाम टाइप कर दीजिए स्पेस देकर। जैसे यहाँ पे बनाए हैं 2, 3, 4, 5 स्पेस 1, 2, 3, 4, 5 स्पेस, इसके बाद यहाँ पे बनाए थे एक टेक नाम से, तो यहाँ पे इसका भी नाम टाइप कर देते हैं यहाँ पे टेक। और ये सब लिखने के बाद आप अपने कीबोर्ड से इंटर बटन प्रेस कर दीजिए। जब आप इंटर बटन प्रेस करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे जितनी फाइल आप क्रिएट किए थे वो सब यहाँ पे रिमूव हो गई है। तो ये था आर डी कमांड। नेक्स्ट कमांड का नाम है यहाँ पे वर्जन। वर्जन के लिए आपको लिखना है इसमें VER। लिखने के बाद आप इंटर बटन प्रेस कर दीजिए। जब इंटर बटन आप प्रेस करेंगे तो इसका वर्जन यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। ओके, तो VER मतलब इस कमांड का यूज करते हैं वर्जन को देखने के लिए। नेक्स्ट कमांड का नाम है VOL। VOL मतलब होता है वैल्यूम। आप जब इसको लिख कर इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे इसका सीरियल नंबर शो हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट कमांड, तो अगले कमांड का नाम है यहाँ पे टाइम। तो उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना है टाइम और आप अपने कीबोर्ड से इंटर बटन प्रेस कर दीजिए। जब आप टाइम लिख कर इंटर बटन प्रेस करेंगे तो टाइम शो होता है यहाँ पे टाइम, तो यहाँ पे आपका टाइम शो होने लगेगा। इसके बाद नेक्स्ट कमांड का नाम है डेट। तो यहाँ पे लिखें डेट। डेट लिखने के बाद आप अपने कीबोर्ड से इंटर बटन प्रेस कर दीजिए, तो यहाँ पे डेट लिखने से डेट शो हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट कमांड है जिसका नाम है यहाँ पे डॉस की हिस्ट्री। तो यहाँ पे लिखें डॉस की, इसके बाद आपको यहाँ पे देना है स्पेस डॉस की स्पेस स्लैश हिस्ट्री, डॉस की हिस्ट्री।
हिस्ट्री और आप अपने कीबोर्ड से इंटर बटन प्रेस कर दी। ने पहले कमांड का यूज किया था वो सब यहाँ पे कमांड आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। तो पहला कमांड यहाँ पे यूज किया था टाइटल, दूसरा कलर, इसके बाद यहाँ पे कलर कलर यहाँ पे यस किया, फिर कलर सिक्स किया, इसके बाद यहाँ पे किया सीडी और फिर एमडी, आरडी, इसके बाद वर्जन, वैल्यूम, इसके बाद टाइम, डेट और लास्ट में अब हमने यहाँ पे टाइप किया था डॉस की हिस्ट्री। तो ये थे कुछ बेसिक कमांड्स सीएमडी प्रॉम्प्ट के जो सभी स्टूडेंट को यहाँ पे पता होना चाहिए। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।